और आज है सैटरडे का दिन। ब्रसल्स में थोड़ी सी कूल सी मॉर्निंग है, लेकिन दिन बहुत अच्छा है, सनी है। तो आज हम जा रहे हैं बेल्जियम के एक शहर लाहौल में। लेकिन क्यों? क्योंकि इस साल कोरोना के दौरान जब सब वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो आशु ने अपना जॉब चेंज किया। तो क्योंकि सब कुछ रिमोट ही हुआ, तो ही नेवर गॉट अ चांस टू विजिट हिज ऑफिस एंड सी वेयर इट एग्जैक्टली इज। तो आज हमने सोचा कि हम एक्चुअल में घर से लेके आशु के नए ऑफिस तक जाके देखते हैं कि एक्चुअल में क्या डिस्टेंस है और कितना ईजी है जाना। स्टेशन पहुंच गए हैं। मौसम आपको दिख रहा होगा थोड़ा क्लाउडी, बट अब गर्मी लगने लग गई है धीरे धीरे, और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, और हम लोगों ने इतनी वॉक भी करी तो इसलिए बॉडी भी थोड़ी हीटअप हो चुकी है। अब हम फटाफट टिकट लेंगे लाहौल स्टेशन के। यहाँ से गूगल मैप्स बता रहा है कि 18 मिनट्स की ट्रेन है, बट लेट्स सी कैसा है रास्ता, क्या कम्फर्टेबल है ये जर्नी, और क्या आशु इसको एज अ रेगुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं या नहीं। कम ऑन, हम लोगों ने टिकट्स ले लिए हैं, ये वीकेंड टिकट्स हैं और थोड़े से सस्ते रहते हैं। एक टिकट तो आ गया था, दूसरा वही मशीन में अटक गया था, तो बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी अंदर किस तरह से हाथ डाल के उसको खींच के, टिकट से टिकट खींच कर। एनीवेज, ट्रेन की जर्नी के लिए हमेशा ही एक्साइटेड रहते हैं, किसको पसंद नहीं है ट्रेन में जर्नी करना। तो ये है इटावीक स्टेशन और हम लोग वेट करेंगे, लगभग 10-15 मिनट में हमारी ट्रेन है। साइकिल की पार्किंग है, आप देख सकते हैं, तो जो लोग साइकिल से स्टेशन तक आते हैं वो सेफली यहाँ पार्क करके जा सकते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। और आप आर्किटेक्चर देख सकते हैं, छोटा सा स्टेशन है, क्यूट सा और काफ़ी पुराना सा, एंड आई थिंक यही इसकी चाह है। तो हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़े हो गए हैं और यहीं पे हमारी ट्रेन आने वाली है लगभग 10 मिनट में। मेरी घड़ी 5 मिनट हमेशा आगे रहती है, आई थिंक 15 मिनट में आएगी फिर। और एग्जैक्ट ये ट्रेन है जो 12:13 पे आएगी, S8 नंबर की, और इसमें लिखा भी हुआ है कि ये लाहौल जाएगी। तो हम काफ़ी एक्साइटेड हैं क्योंकि वीकेंड है और हम फर्स्ट टाइम इस टाउन पे जाएंगे और डिस्कवर करेंगे कि ये टाउन कैसा है। और मेन वर्डिक आई थिंक आशु की रहेगी, वो बताएंगे कि उनको ऑफिस जाने के लिए ये सब सूट करेगा या नहीं। Oh,
से 18 मिनट की हमारी जर्नी रहेगी और एज एक्सपेक्टेड ऑलरेडी सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं और इट्स अ शॉर्ट स्वीट एंड वेरी कंफर्टेबल राइड. सफर के बाद हम लोग आ गए हैं लाहौल. मेरे पीछे है लाहौल का ट्रेन स्टेशन जहाँ पे हम से अभी से बस 2-3 मिनट पहले ही आए. अब बात यह है कि यहाँ से ऑफिस की डेस्टिनेशन है 24 मिनट्स वॉकिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करो तो भी उतना ही टाइम है क्योंकि कुछ दिखाई नहीं रहा है, ना बस है ना ट्रैम है. तो हमारे लिए कुछ फैक्टर्स रहेंगे जो डिसाइड करेंगे कि हम लोग यहाँ सफ़र फॉर आशू डेली किस तरह से ट्रैवल करेंगे व्हेन ही गोज टू ऑफिस. तो ऑफकोर्स ऑन फुट इट्स नॉट पॉसिबल, 24 मिनट्स एवरी डे इट्स मोर देन द ट्रेन्स टाइम, तो दैट्स नॉट फीजिबल. हम कन्फ्यूज्ड हैं कि बाइसिकल लेंगे या फिर ट्रॉटिनेट जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर है. तो हमारे लिए फैक्टर्स ये रहेंगे, हम देखेंगे कि किस तरह से लोग ड्राइव कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत रैश है क्या, साइकिलिंग लेन्स प्रॉपरली लेबल्ड हैं बनी हैं या नहीं, कितने लोग यहाँ पर हमें दिखते हैं साइकिल्स यूज़ करते हुए. तो वो फैक्टर्स हमें काफ़ी हेल्प करने वाले हैं. अभी फ़िलहाल हम पैदल जाने वाले हैं, 24 मिनट्स की वॉक करेंगे, लेकिन आपको तो लेके चल ही रहे हैं साथ में. ऐसा फील आ रहा है, अब मतलब एक एनालॉजी बिठाऊं तो जैसे हमारे इंडिया में रेलवे कॉलोनीज नहीं होती हैं जहाँ पे ऑफिसर्स के घर रहते हैं, थोड़े ग्रीन रहते हैं यूजुअल से ज़्यादा, शांत रहते हैं, बड़े बड़े बंगले होते हैं, तो एकदम वैसा ही फील आ रहा है यहाँ पे चलते हुए. सो दिस इज़ द रेलवे कॉलोनी इन लाहौल बेल्जियम. क्योंकि मैं आपको बताने से रोक नहीं पाई कि यहाँ पे इतने प्यारे पता नहीं कौन से फ्रूट्स हैं, टमेटो या अनार वैसे रिजेंबल कर रहे हैं शेप में, और बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं यहाँ पे, बहुत ग्रीनरी है और पूरी जो हवा है यहाँ पर मतलब जैसे गुलाबों की या फूलों की ऐसी खुशबू नहीं रहती, पूरी हवा में फैली हुई है अभी. तो बहुत ही प्लेजेंट वॉक है क्योंकि टेम्परेचर भी परफेक्ट है, आँखों के लिए भी इतनी प्यारी ब्यूटी है यहाँ पर, और फॉर योर सेंसेस बहुत अच्छी खुशबू है. आप यहाँ पे पेड़ देखिए कितने लंबे हैं और जैसे कॉनिफेरस ट्रीज नहीं होते हैं जो हिल स्टेशंस पे देखने में मिलते हैं, बिल्कुल वैसे हैं. और घरों का स्ट्रक्चर रिसेंबल कर रहा है जो हम अक्सर स्विट्जरलैंड या जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट यहाँ पर एल्प्स के आसपास देखते हैं. और मेरे लेफ्ट में यहाँ पर एक नहर जा रही है,
तो एकदम हिल स्टेशन जैसा व्यू आ रहा है और फील आ रहा है. तो हम सोच रहे हैं आशु, इंस्टेड ऑफ कमिंग हियर एंड कम्यूटिंग टू वर्क, यहीं पे घर ले लिया जाए तो कितना अच्छा हो. सुनहरी सी वॉक के बाद हम लोग पहुंच गए हैं आशु के ऑफिस के सामने. एग्जैक्टली यही है ऑफिस. तो काफी सुंदर रास्ता रहा, काफी इम्प्रेसिव और बड़ा ऑफिस है. सो अब एक्शन आइटम इज ऑन अस. अब हम लोग थोड़ी चिट चैट करेंगे. हमने कुछ पॉइंट्स नोट करे हैं. तो वी हैव टू फिगर आउट जस्ट द कनेक्टिविटी बिटवीन आर होम एंड द रेलवे स्टेशन एंड द रेलवे स्टेशन ऑफ लाहू अंटिल हियर, सो विच इज अ बिग डिस्टेंस. तो देखते हैं क्या डिसाइड करते हैं. वील इंक्लूड यू. हम ना फाइनली मतलब आपका ऑफिस देख लिया हमने. तो गूगल जैसा बोलता है कि मोस्टली फ्लैट, ऐसा तो कुछ भी नहीं है. इनफैक्ट मुझे लगता है कि नॉर्मल साइकिल से भी यहाँ काम नहीं चलेगा. बहुत ऊपर नीचे है सब कुछ. और इलेक्ट्रिक साइकिल भी तभी ले सकते हैं जब मुझे पूरा घर से लेके ऑफिस तक इलेक्ट्रिक साइकिल से आना हो, क्योंकि ट्रेन में उसको कैरी करना काफी डिफिकल्ट होगा. हाँ, काफी बल्की रहती है. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि हेल्पफुल तो रहती है इलेक्ट्रिक साइकिल, बट वो वेट ज्यादा ही रहता है. तो आई डोंट थिंक सो आप ट्रेन में उसको. बट ट्रेन की जर्नी कंफर्टेबल थी. तो ट्रेन की जर्नी कंफर्टेबल थी, इजी थी. तो कुछ ऐसी चीज जो कि ट्रेन में कैरी कर सकें और यहाँ की अप डाउन जो हिली स्ट्रीट्स हैं वहाँ पे भी वो मतलब काम आ सके. तो आई थिंक अपन ऐसा कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर ले सकते हैं. एग्जैक्टली, एक इलेक्ट्रिक स्कूटर और वो भी ऐसा जिसकी मोटर अच्छी पावरफुल मोटर. यू मीन ऑन अ हायर बजट देन. थोड़ा खुद भी ढूंढते हैं कि क्या कंपनी की कैसी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं, कितने की हैं. यस, ठीक है. फिलहाल तो भूख लग रही है, तो लेट्स एंजॉय द मील. ओके. और आप लोग भी थैंक यू हमारे साथ यहाँ तक जर्नी में बने रहने के लिए, हमारी बातें सुनने के लिए. और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, एक थम्स अप दीजिए, कमेंट करिए. और अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, आज फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हो, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए. थैंक यू, बाय.